एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम के 80 वार्डों के अधिकारी और सुपरवाइजर के साथ नगर निगम के सदन भवन में बैठक की गई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम में 80 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में सेक्टर ऑफिसर, एक नगर निगम का कर्मचारी और एक सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिस 24 वार्डों का परिसीमन हुआ है या जो 10 नए वार्ड बने हैं, सभी की बाउंड्री नगर निगम के साथ देखा जाएगा और इसके अनुसार निर्वाचन नामावली में बाउंड्री के अंदर लोग हैं कि नहीं। अगर उस बाउंड्री के बाहर के लोग हैं तो जांच करके नियमानुसार उनको उन वार्डों में व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। जिनका नामावली में नाम नहीं जुड़ा है उनका 7 नवंबर तक नाम जुड़ जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी सहित कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, उस वार्ड का उनको मैप दे दीजिएगा। जैसे 42 वाले अभी बैठे हैं तो अभी 42 वालों को दे दीजिएगा। अब इसी तरह से आपको 14 के मैप की आवश्यकता रहेगी। एक चीज और है, नमस्कार, एक चीज में कहां से बाउंड्री है, एक सूचना और आपको दे दें, वो ये कि वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा बगल बगल नहीं है कि एक के बाद दो मिल जाएगा, दो के बाद तीन मिल जाएगा। नगर निगम में वार्ड नंबर 1 कहीं हो सकता है, वार्ड नंबर 2 कहीं और हो सकता है, तो ये कंफ्यूजन पास नहीं है। ठीक, तो आपको एक तो अपना वार्ड पकड़ना है, अपनी गाड़ी उठानी है और अपने वार्ड की बाउंड्री दिखानी है और थोड़ा ये ज्ञान प्राप्त कर लेना है कि आपकी वार्ड के आसपास कौन से वार्ड पड़ते हैं। जो घालमेल होगा उन्हीं वार्ड की मतदाता सूची के साथ होगा। हमारे पास जो भी जैसे अभी वो अभी आपका जो ग्रुप बना रहेगा उसमें हम डाल देंगे। हमारे मुश्किल से अभी 15 वार्डों की समस्याएं हैं, पूरे 80 की नहीं है। इसका मतलब मात्र अभी 15 को सीरियसली काम करना है, बाकी को अपनी बाउंड्री देखाना है। अभी आगे कुछ आएगा तो हम आपको सौंप देंगे। हमारा एक नगर निगम है, इसमें कुल 80 वार्ड। आप सभी लोग गोरखपुर में नौकरी करते हैं और कहीं ना कहीं रहते हैं। अभी हम आपके ग्रुप में नगर निगम के 80 वार्डों में कौन कौन से मतदान केंद्र हैं और कौन कौन से मतदान बूथ हैं। मेरी जानकारी में लाया गया है कि वार्ड की बाउंड्री का सबसे अच्छा आइडिया सफाई निरीक्षक, सबसे अच्छा आइडिया, इसलिए कि उन्हें होंगे जो VIP वार्ड होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो VIP होंगे। आपको आइडिया नहीं होगा इतना बड़ा VIP है और वो क्या शिकायत कर सकता है। जो हमारी सोसाइटी का VIP होता है उसका ये कहीं पे जाता है, ऊंचाई का मतलब कमिश्नर साहब के पास जाएगा, तख्त शिकायत करेगा, साहब BLO तो काम नहीं कर रहे, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह ADM फाइनेंस गोरखपुर हूँ और डिप्टी DO नगर निगम नगर पंचायत चुनाव का हूँ। आज हम लोगों ने सुबह नगर निगम में, हमने इस जनपद में जो एक नगर निगम है उसके 80 वार्ड हैं, तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक सेक्टर ऑफिसर नियुक्त कर दिया है, एक नगर निगम का कर्मचारी नियुक्त कर दिया है, एक हमारा सुपरवाइज़र नियुक्त है। इन्हीं की हम लोगों ने आज एक बैठक की है। उद्देश्य केवल ये है कि जिन 24 वार्डों का परिसीमन हुआ है या जो 10 नए वार्ड बने हैं, सभी की बाउंड्री नगर निगम के साथ मिलकर के देख लिया जाए, उसके अनुसार निर्वाचक नामावली में उसी बाउंड्री के अंदर के लोग हैं कि नहीं हैं। अगर उस बाउंड्री से बाहर के लोग हैं तो परस्पर जांच करके नियमानुसार उनको उन वार्डों में व्यवस्थित किया जाए। अभी 7 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस दौरान लोगों को ये जागरूक कर दिया जाए कि उनका नाम निर्वाचक नामावली में है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो संबंधित प्रारूप नंबर 15 भर के अपना आवेदन 7 नवंबर तक दे दें, उनका नाम जुड़ जाएगा।